देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी इलाहाबाद अब प्रयागराज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। पंडित नेहरू का वह शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय आज भी चल रहा है, लेकिन उस पर तालाबंदी का खतरा भी मंडरा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यालय का किराया पार्टी की ओर से नहीं दिया जा रहा है। मामले में कोर्ट ने अब पार्टी को सख्त निर्देश दिया है कि 15 जुलाई के पहले किराए का भुगतान किया जाए। ऐसा नहीं करने पर कांग्रेस कार्यालय पर सरकारी ताला भी लग सकता है। आपको बता दें कि स्वराज भवन में ही कांग्रेस पार्टी के कामकाज हुआ करते थे। सन 1907 में ही वेट रोड पर कांग्रेस का पहला कार्यालय खुला था। पहले अध्यक्ष के रूप में पंडित नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को चुना गया था। हालांकि किसी ने किराए और बिजली के बिल के भुगतान के बारे में नहीं सोचा। दरअसल देश की आजादी के बाद से शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय का बिजली का बिल नहीं जमा किया गया। यही कारण है कि अब तक इसका 6 लाख रुपए से ज्यादा किराया बाकी है। तो वहीं बिजली विभाग ने अब कार्यालय की लाइट भी काट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।